पति ने पत्नी की गला दबा कर की हत्या। मुंबई के विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत पति ने पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार विरार पूर्व के मकवाना मैदान के पास सहयोग अपार्टमेंट में रहने वाली 34 वर्षीय महिला की उसके पति ने हत्या कर दी। जब अड़ोसी पड़ोस वालों को मालूम पड़ा तो पड़ोसियों ने विरार पुलिस स्टेशन में जानकारी दी। विरार पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सुरेश बोराड़े मौके पर पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया प्राथमिक जांच में ऐसा पता चला कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि आरोपी के ऊपर 2019 में विरार पुलिस स्टेशन में 376 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करके आरोपी गिरफ्तार करके आगे की जाँच शुरू कर दी है। आपका नाम? मेरा नाम शफीक आजमी। शफीक भाई क्या हुआ है? वही मेरे बहन बनोई का लफड़ा था। बनोई गलत था, वो बहन समझाती थी बुझाती थी कि मत ऐसा करो, गलत है ये सब। तो कुछ दिन तो ये गया, जेल भी काट के आया उसी मामले में, और आया भी तो थोड़ा समझ बूझ के रहा, कुछ दिन मौका पाया, अपना काम कर दिया। आज क्या घटना घटी? आज वही घटना की सुबह मुझे मेरी बहन रोती हुई चिल्लाती हुई बुलाई, भैया अब भी नहीं, बस यही आवाज़ मैं सुना। आप क्या चाहते हैं न्याय में? क्या चाहते हैं न्याय में? यही चाहता हूँ सर कि जो सही है कानून उसको वही सजा दे। आपका नाम? हसरतुल निसा। आज ये जो मर्डर जो हुआ है वो आपकी कौन थी? मेरी ननंद थी। हाँ ननंद थी। क्या क्या हुआ था आज? सर मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। हम लोग घर पे थे, मेरे बिल्डिंग के जो चौथे माले पे औरत रहती है वो मुझे आवाज़ दी है कि भाभी आपकी ननंद की रोने की आवाज़ आ रही है, छोटी वाली कुछ बोल रही है। तो जब हम लोग भाग के आए, इसका 6 बजे से दरवाज़ा खुला है, हम लोग को मालूम नहीं था। और मैं अभी आई, 3-4 घंटा हुआ, जब मेरे को मालूम पड़ा जब मैं आई तो देखी ये ठंडी पड़ी थी, हाथ पैर इसका टेढ़ा हो गया था, और उसका आदमी घर में उसके बाजू में बैठा था और बेडरूम में। तो हम लोग ने पूछे उससे कैसा हुआ, तो बोलता है मैं पूरी रात टीवी देखा हूँ और मुझे नहीं मालूम, शायद पलंग पर से नीचे गिर गई होगी, जब उसको काला पड़ा है। जब डॉक्टर आया है बोला ये उंगली का निशान है और गला दबा के मारा गया है, ये देशमुख बोला है डॉक्टर कि गला दबा के मारा गया है। तो हम लोग ने बोले आखिर ऐसा कैसा हुआ है, तो बोलता अरे हम गला दबा के नहीं मारे हैं और उसने शायद पलंग पर से गिरी होगी इसके वजह से ऐसा हुआ। क्या आपको लगता है कि इसी के पति ने इसकी जान ली है? सर हम लोग को 100% उम्मीद है कि यही मारा। इससे पहले भी एक मुकदमा इसके ऊपर दाखिल था 2019 में लेकर, जो कि आपकी सगी भांजी बताई जा रही थी कि ये बात सही थी। हाँ अभी मेरे पास उसका फोटो है और उसकी वीडियो है मेरे पास, मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ कि ये भांजी को लेके भागा था, नाला सुपारा 1 साल रखा था। विरार पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर एक केस किया गया था, FIR हुआ था। हाँ रेप केस का मामला था। जी 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 ठीक जी, हम लोग ने किए थे उसको।